हेलो व्यूअर, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग क्लास 11 आर एस अग्रवाल बुक से क्लास 11 सेट थ्योरी का सॉल्यूशंस कर रहे थे और एक्सरसाइज वन बी तक किए थे। अभी एक्सरसाइज वन बी का क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट किए थे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 1B सेट थ्योरी, क्योंकि मेरे पास एसएनडे का बुक नहीं है, सौरेंद्रनाथ देव का बुक अभी, तो हम आरएस अग्रवाल बुक ही फॉलो कर रहे हैं सेट थ्योरी का। जब मिल जाएगा तो हम लोग उसी से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, आप होप आप लोग देख पा रहे हैं, ये दिस इज द एक्सरसाइज। तो 3-1 तो क्या बोला है, ए सेट ऑफ लेटर इन व्हाट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर ऑफ इक्वल सेट। पेयर ऑफ इक्वल सेट मुझे ढूंढना है, पेयर ऑफ इक्वल सेट ये मुझे ढूंढना है, पेयर ऑफ इक्वल सेट। तो यहाँ पर देखिए, ए एक सेट दिया हुआ है, तो ए एक सेट दिया, सेट ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड, क्या बोला है, सेट ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड एलॉय, ठीक है। और बी एक अनदर सेट है, वो क्या है, सेट ऑफ लेटर इन द वर्ड ऑफ, इन द वर्ड हम ऑफ लिख रहे हैं, ऑफ लॉयल, तो ए सेट क्या होगा, ए सेट होगा, क्या क्या लेटर है इसमें, ए है, एल है, ओ है, वाई है, ठीक है। और बी सेट में क्या क्या लेटर है, ए है, ओ है, एल है, वाई है। तो ए बी सेट, ये दोनों क्या सेट हो गया, ये दोनों दे आर इक्वल सेट, दे आर द इक्वल सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 सेट ऑफ लेटर इन द वर्ड कैटरैक्ट, ये एक लेटर दिया हुआ है, इसके अंदर जो वर्ड आता है, जो लेटर आता है वो लेटर हम लोग लेंगे, उसके साथ ट्रैक्ट और एक लेटर दिया हुआ है, और एक मतलब वर्ड दिया हुआ है ट्रैक्ट, तो इसको लगे अगर हम सेट लिखेंगे, इसको सेट क्या आएगा, कैटरैक्ट, ए आएगा, उसके बाद सी आएगा, उसके बाद टी आ रहा है, उसके बाद आर आ रहा है, ए नेक्स्ट सी नेक्स्ट टी नेक्स्ट आर, बस। और यहां पर अगर हम लिखेंगे बी, बी इक्वल्स टू ट्रैक्ट, ट्रैक मीन्स ए, उसके बाद सी, उसके बाद टी ले रहे हैं, उसके बाद आर। तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि ए और बी में दोनों में ही जो लेटर्स है वो सेम है, ठीक है। तो ए इक्वल्स टू बी हो गया, दे आर इक्वल सेट, ए बी इक्वल सेट हो गया। और यहां पर ए देखो डिनोट नहीं किया है, सी देखे डिनोट किया है, सी और डी, तो सी इक्वल्स टू डी, सी इक्वल्स टू डी। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं और एक क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई एक सेट दिया हुआ है, हम लोग
तीन नंबर से कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री से। आर एस अग्रवाल सब लिखा हुआ है बोर्ड में, आप लोग देख पा रहे हैं, आर एस अग्रवाल क्लास 11 था। उसके बाद और एक सेट दिया हुआ है, क्या सेट क्या दिया हुआ है इसमें, ई इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू जेड, एक्स स्क्वायर लेस और इक्वल टू फोर, और एफ और एक सेट दिया हुआ है, एफ इक्वल टू और एक सेट दिया हुआ है, एफ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू जेड, एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लेस और इक्वल टू दिया हुआ है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर दिया हुआ, तो इसका अंडर में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा और इसका अंडर में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा। इसका अंडर में एलिमेंट आएगा माइनस टू से शुरू होगा, क्योंकि माइनस टू स्क्वायर दैट इज फोर लेस और इक्वल टू फोर। फिर माइनस वन आएगा मीन्स वन, वन इज लेस और इक्वल टू फोर। नेक्स्ट जीरो आएगा, नेक्स्ट वन आएगा, नेक्स्ट टू आएगा, ठीक है। और इसका अंडर में क्या क्या एलिमेंट आएगा, इसका अंडर में एलिमेंट आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर और एक्स बिलोंग टू जेड है, तो इसका अंडर में दो एलिमेंट आएगा टू और माइनस टू। तो एलिमेंट नंबर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर पांच एलिमेंट है, यहाँ पर दो एलिमेंट है, तो ई इज नॉट इक्वल टू एट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर में क्या दिया हुआ है, जी इक्वल टू माइनस वन कोमा वन एंड एच इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड एंड एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो जी एक सेट है, जी एक सेट है, वो क्या है, माइनस वन कॉमा वन, और एच एक सेट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू जेड एक्स स्क्वायर माइनस, तो ये इक्वेलिटी हम लोग को देखना है, एक्स बिलोंग टू जेड है तो दो ही एलिमेंट मुझे मेरा आएगा, यहाँ से दो ही एलिमेंट आएगा, वी हैव गॉट ओनली टू एलिमेंट्स, दैट इज फर्स्ट इज एक्स इक्वल्स टू माइनस वन, अगर हम माइनस वन स्क्वायर किए, माइनस वन स्क्वायर माइनस वन दैट इक्वल टू जीरो, और एक प्लस वन स्क्वायर किए, तो ये दोनों सेम है, तो हम लोग लिख सकते हैं जी इक्वल टू एफ, ये दोनों इक्वल सेट है। नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पे, क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या दिया हुआ, जे इक्वल्स टू, जे इक्वल्स टू टू कॉमा थ्री, के इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू जेड एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे, यहाँ पर तो जे सेट मेरा दिया ही हुआ है टू कॉमा थ्री, यहाँ पर हम इसको फैक्टराइज करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ से एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या मिल रहा है मुझे, माइनस थ्री और माइनस टू, ठीक है। तो के सेट मेरा क्या आ जाएगा, माइनस टू कॉमा माइनस थ्री, ये के सेट आ गया। तो क्लियरली जे इज नॉट इक्वल टू के, जे के से इक्वल नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर हम लोग मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फोर एक्सरसाइज वन बी का, क्वेश्चन नंबर फोर। तो क्वेश्चन नंबर फोर में क्या दिया हुआ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर ऑफ इक्विवेलेंट सेट्स,
a इज इक्वल्स टू -2, -1, 0, ये a आ गया, b आ गया 1, 2, 3। मुझे इक्विवेलेंट ढूंढना है, इक्विवेलेंट मतलब कार्डिनलिटी, और कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। तो यहां पर अगर हम लोग एन ऑफ ए निकालेंगे कितना एलिमेंट होगा, 3। यहां पर एन ऑफ बी कितना एलिमेंट होगा, 3। तो दे आर इक्विवेलेंट सेट। तो ए और लिखेंगे ए इज इक्विवेलेंट टू बी, और हम लोग वर्ड से वर्ड में भी लिख सकते हैं कि ए इज इक्विवेलेंट का फाइन ऐसा होगा, ठीक है, ए इज इक्विवेलेंट टू बी, और ए इज इक्विवेलेंट, ए सिंपली ऐसे लिखेंगे इक्विवेलेंट टू बी। नेक्स्ट इज वन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, तुम्हें क्या दिया, सी इक्वल्स टू एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग टू एन, एक्स बिलोंग टू एन, एक्स इज लेस देन 3, और क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, डी डी इक्वल्स टू एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग टू डब्ल्यू, एक्स लेस देन 3। तो ये दोनों क्या इक्विवेलेंट सेट है, तो इसके लिए मुझे इसका रोस्टर फॉर्म निकालना है, एक्स बिलोंग टू एन और एक्स लेस देन 3, इसका रोस्टर फॉर्म क्या आ जाएगा, 1, 2, दोनों ही एलिमेंट मिलेगा जो एक 3 से छोटा है, और यहां पर मेरा क्या होगा, ये एक्स बिलोंग टू होल नंबर है, ये एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर है, यहां पर मेरा 3 एलिमेंट आ जाएगा, 0 भी इंक्लूड हो जाएगा, 0, 1, 2, ठीक है। तो क्लियरली एन ऑफ सी इक्वल टू एन ऑफ डी इक्वल टू 3, क्लियरली 2 इज नॉट इक्वल टू 3, सो ए इज नॉट इक्विवेलेंट टू डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं, ये भी एक इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग ये ट्राई कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 3 मीन क्वेश्चन नंबर रोमन 3 जो दिया हुआ है, कुछ वर्ड दिया हुआ है, ये आप लोग खुद ट्राई कीजिए, हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं फाइव पे, तो फाइव पे क्या दिया हुआ है, सेट वेदर द गिवन सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। फर्स्ट जो बोला है ए एक सेट, ए सेट बोला है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन ए प्लेन, तो ऑल ट्राइंगल एक प्लेन है, मेरे पास एक प्लेन है, तो प्लेन तो कभी एक प्लेन तो वो तो प्लेन ही एक प्लेन ही तो फाइनाइट एरिया नहीं है, एक प्लेन इनफाइनाइट एरिया है, एक प्लेन मतलब एक इनफाइनाइट एरिया है। जैसे मान लीजिए जो हम लोग का पृथ्वी का जो प्लेन जो धरती हो गया वो भी एक प्लेन है, तो इनफाइनाइट तक मतलब विस्तार किया हुआ है, या तो उसका अंडर में अगर हम लोग ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे तो ट्राइंगल भी तो बहुत सारा होगा, ठीक है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट ट्राइंगल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं और कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एक प्लेन में, ठीक है, इनफाइनाइट ट्राइंगल। तो ये हो गया इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, तो ऑल पॉइंट्स इन द सर्कमफेरेंस
ऑफ ए सर्कल। अब एक सर्कल का सर्कमफेरेंस में देयर विल बी इनफाइनाइट पॉइंट, तो ये भी एक इनफाइनाइट सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। नेक्स्ट, सेट ऑफ ऑल लाइंस पैरेलल टू वाई एक्सिस, सेट ऑफ ऑल लाइंस पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस, इसके लिए अगर हम लोग एक्सिस ड्रॉ किए करेंगे, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, सॉरी ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, दिस इज एक्स, दिस वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का पैरेलल एक्सिस, पैरेलल लाइन इधर इनफाइनाइट होगा, इधर भी इनफाइनाइट होगा, क्योंकि एक्स तो चलते जाएगा इधर। अब एक्स एक्स इधर इधर भी इनफाइनाइट तक है, एक्स इधर भी इनफाइनाइट तक है, तो एक्स तो इधर इनफाइनाइट तक चलते जाएगा, इधर भी इनफाइनाइट तक चलते जाएगा, ठीक है। तो लाइन भी मेरा एक्स वाई एक्स का, वाई एक्स का पैरेलल लाइन भी मेरा कितना आएगा, इनफाइनाइट तक आएगा। तो दिस इज ऑल्सो ए थर्ड, द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट, सेट ऑफ ऑल लीव ऑन ए ट्री, ठीक है, सेट ऑफ ऑल लीव ऑन ए ट्री, एक पेड़ में कितना पत्ता होता है, पेड़ में तो पत्ता बहुत सारा होता है, लेकिन फिर भी वो अनकाउंटेबल नहीं है। मतलब अगर हम लोग बैठ के गिनेंगे, पूरा दिन भी लग जाएगा, या दो दिन लग जाएगा, या एक महीना लग जाएगा, या एक साल लग जाएगा, लेकिन हम लोग उसको गिन के फिनिश कर पाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लोग उसको गिन नहीं पाएंगे, तो ये एक फाइनाइट सेट हो गया, फाइनाइट सेट। नेक्स्ट आ रहे फाइव में, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 500, पॉजिटिव इंटीजर, तो 500 मेरा एक इंटीजर है, इससे ग्रेटर देन, इससे ये जिससे लेस होगा, तो मुझे क्या मिलेगा, 501 मिलेगा, 502 मिलेगा, ऐसा करके चलते जाना है। और ये इधर बहुत सारा मिलेगा अप टू इनफाइनाइट तक, तो ये एक हो गया मेरा इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट सिक्स, एफ इज इक्वल्स टू एक्स बिलोंग टू आर, जीरो लेस देन एक्स लेस देन वन। तो एक्स रियल नंबर है, एक्स रियल नंबर है, और जीरो और वन के बीच में रियल नंबर, तो जीरो और वन के बीच में रियल नंबर इनफाइनाइट तक है, रियल नंबर इनफाइनाइट होगा, ठीक है। तो ये एक इनफाइनाइट सेट होगा, जीरो और एक के बीच में रियल नंबर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, तो ये एक इनफाइनाइट सेट होगा, इज एन इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट सेवन, सेवन में क्या दिया हुआ है, जी इज इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू जेड, एक्स लेस देन वन। तो एक्स बिलोंग टू जेड है और एक्स लेस देन वन है, अगर हम लोग जेड का सेट को कंसीडर करेंगे, ये जीरो, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव इन्फिनिटी, तो ये वन है और ये माइनस वन है, माइनस टू है, ऐसा करके जा रहा है। तो वन से छोटा छोटा इंटीजर जीरो से स्टार्ट होगा अप टू माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, तो ये एक इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेवन, नेक्स्ट एट, एट में क्या बोल रहे हैं, एट में क्या बोल रहा है, एट इज इक्वल्स टू
x belong to z माइनस 15 लेस देन x लेस देन 15 ये बोला है, ठीक है। तो ये तो इजी क्वेश्चन है। देखिए x belong to z है और माइनस 15 और 15 के बीच में एलिमेंट मुझे ढूंढना है, तो वो तो एक फाइनाइट हो गया, क्योंकि ये अगर हम सेट इसको रोस्टर फॉर्म में कंसीडर करेंगे तो माइनस 14 से स्टार्ट होगा, नेक्स्ट माइनस 13 ऐसा करके डॉट डॉट करके जीरो, बीच में जीरो आएगा, उसके बाद इधर भी डॉट डॉट करके प्लस 13 प्लस 14 तक आएगा, तो ये फाइनाइट सेट हो गया। तो दिस इज ए फाइनाइट सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, j इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन एंड एक्स इज ए प्राइम नंबर, अब नेचुरल नंबर सेट से बिलोंग करता है और प्राइम नंबर वो भी क्या है, अनगिनत है, वो इनफाइनाइट है प्राइम नंबर, ठीक है, तो ये एक इनफाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन में क्या दिया हुआ है, x belongs to n, x is an odd, मतलब यहाँ और एक सेट दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 10 में, वहां पर बोला है कि x is odd और x belongs to n, मतलब ऐसा फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये भी एक इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि देयर आर odd नंबर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ odd एलिमेंट और odd नेचुरल नंबर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ odd नेचुरल नंबर। नेक्स्ट 11 में क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0,0, इसके लिए हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस, ये एक सर्कल ड्रॉ किया हम लोग, ये ओरिजिन से पास हो रहा है, ये एक सर्कल ड्रॉ किया ओरिजिन से पास हो रहा है, ये एक सर्कल ड्रॉ किया ओरिजिन से पास हो रहा है, ये एक सर्कल ड्रॉ किया जो ओरिजिन से पास हो रहा है, ये एक सर्कल ड्रॉ किया जो ओरिजिन से पास हो रहा है, ये एक सर्कल ड्रॉ किया ओरिजिन से पास हो रहा है, ये एक सर्कल ड्रॉ किया ओरिजिन से पास हो रहा है, ये एक सर्कल ड्रॉ किया ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग अगर ऐसे करके ड्रॉ करते जाएंगे तो हम लोग ख़त्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग सर्कल्स हम लोग ड्रॉ कर सकेंगे जो 0,0 और ओरिजिन से पास है, तो ये एक इनफाइनाइट सेट है, दिस इज इनफाइनाइट सेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग सेट नोटेशन। तो सेट नोटेशन जो है, मतलब बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, फाइन फाई सेट, नाल सेट, ये सब मैं आप लोगों को बोला था कि ये सब नोटेशंस आप लोग देख लीजिए,
कोई और बुक से, इस आर्यसागर बुक में दिया हुआ नहीं है, इस सुरेंद्रनाथ देव बुक में दिया हुआ है, सातारा पब्लिकेशन का बुक में दिया हुआ है, तो उसमें से आप लोग सेठ का जो नोटेशन है जो पहले पेज में दिया हुआ रहता है वो थोड़ा याद कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या बोला, ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ए ए इज एन एलिमेंट, स्मॉल ए है, एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसका हम लोग सेट नोटेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल ए बिलोंग टू कैपिटल ए, ठीक है। नेक्स्ट टू नंबर, बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, बी बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, बी ए का सेट नहीं है, नॉट बिलोंग टू, उन पर क्या देना पड़ेगा मुझे, बी नॉट बिलोंग टू ए। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में क्या दिया हुआ है, ए इज एन एम्प्टी सेट एंड बी इज ए नॉन एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट ए स्टेटमेंट लिखते हैं, ए इज एन एम्प्टी सेट, बी इज एन बी इज ए नॉन एम्प्टी सेट, तो ए इज एम्प्टी सेट मतलब ए इज इक्वल्स टू दिस, और हम लोग लिख सकते हैं ए इज इक्वल्स टू फाइव, और बी नॉन एम्प्टी सेट तो बी इट्स बी इज नॉट इक्वल टू फाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर में क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इज सिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज सिक्स, इसको हम कैसे नोटिस करेंगे, मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू सिक्स, सो दैट्स इक्वल टू एन ऑफ ए इक्वल टू सिक्स। नेक्स्ट जीरो इज ए होल नंबर बट नॉट ए नेचुरल नंबर, जीरो इज ए होल नंबर बट नॉट नेचुरल नंबर, इसको हम इसको मुझे स्टेटमेंट में लिखना है, तो स्टेटमेंट क्या होगा, जीरो बिलोंग्स टू डब्ल्यू, डब्ल्यू इज अ सेट ऑफ होल नंबर एंड जीरो नॉट बिलोंग टू एन, ठीक है, जीरो बिलोंग टू डब्ल्यू, जीरो नॉट बिलोंग टू एन, और यहां पर हम लोग बट भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बिलोंग हो रहा है और यहाँ पर बिलोंग नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हम एंड का भी यूज़ कर सकते हैं और बट का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अभी तक इतना ही, मैं एक बार फिर से आप लोगों को बोल देना चाहता हूँ कि जो लोग मेरे वीडियो को लाइक करते हैं वो लोग देखिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए मेरा वीडियो, ठीक है, कंटेंट बताइए क्या चाहिए आप लोगों को, और जो लोग लगता है कि नहीं वीडियो मेरे ये वीडियो में कुछ नहीं है वो लोग स्किप कर जाइए, लेकिन उल्टा पुल्टा कमेंट मत कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग, हम लोग मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम, थैंक्स फॉर वाचिंग।